हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज है थर्ड डे, जो कि जब से मैं मंदिर आया हूँ मेरा आज थर्ड डे है। आज मैंने मॉर्निंग से कोई व्लॉग नहीं बनाया और मैं मंदिर के अंदर से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सारा मंदिर के अंदर का है, सारा है काफी सुंदर हाथों से ये बनाया गया है, लकड़ी पे बनाया गया है। जाके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये सुंदर महामाई की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ से महामाई के दर्शन है और इस साइड है भोले बाबा का दरबार। जय भोले बाबा, जय महाकाल। और बाकी यहाँ भी समय काफी ज्यादा रश है, बाकी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने महामाई के दर्शन किए यहाँ पे, जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखे होंगे महामाई का जो पूरी कथा है यहाँ पे, उसके बाद भोले बाबा के। और बाकी आप ये देख सकते हैं काफी रश है अभी यहाँ पे, और जय माता दी। और यहाँ पे अभी काफी ज्यादा रश है, यात्रा नहीं आई है, यात्रा आज शाम को आएगी। और बाकी आप ये देखिए यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा नीचे हैं, यहाँ पे सेवादारों की बहुत ज्यादा कमी है। और बाकी आप ये देखिए, बाकी मैं आपको और भी करता हूँ अंदर से। और ये जम्मू से आए हैं, जय माता दी, ऐसे नहीं करना, जय माता दी कहना है, जय माता दी। तो काफी ज्यादा भक्तजन आए हैं यहाँ पे। और बाकी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ यहाँ पे। बाकी आपको बताऊं कि बहुत पहले तो बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पे, और अब यहाँ पे काफी गर्मी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं टी शर्ट डाली है मैंने, बाकी मेरे पीछे दरबार। और बाकी आज काफी ज्यादा रश है, जो कि कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं त्रिलोकीनाथ गया था, वहाँ का काफी अच्छा सफर रहा मेरा। और बाकी आप ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा लोग इस समय आते हैं, बट लास्ट टाइम मैं अगस्त महीने में भी आया था, जिस समय हमने इंटरव्यू किया था पंडित जी का, वो आप महिमा कुलदेव जी के चैनल पे सर्च करें, वो आपको मिल जाएगा। और बाकी अभी मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मैं ऊपर ही था और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे जो महामाई के दरबार को रास्ता जाने का, और सौरभ जी भी यहाँ आ गए। तो बाकी आप ये देखिए आज यहाँ रश है, कल परसों यहाँ पे नहीं था। और यहाँ पे सेवादार अपनी सेवा कर रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी। और आप ये देखिए आज तो काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। आज का जो व्लॉग रहेगा, आज का व्लॉग यात्रा रिलेटेड ही रहेगा, बाकी आप ये देख सकते हैं और काफी ज्यादा रश है आज अभी, और लोग आने वाले हैं। और यहाँ पे लतिका जी भी लाइन में लग चुकी हैं नान लेने के लिए, यहाँ पे मिलेगा नान। और भाई जी भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं नान की तैयारी हो रही है, और भक्तजनों के मुंह में पानी आते हुए, काफी ज्यादा पानी आते हुए, क्योंकि यहाँ पे अमूल अमूल मक्खन के साथ आप सभी को यहाँ पे चने भी मिलेंगे साथ में। और भक्तजनों को यहाँ पे नेटवर्क भी आ रहा है फुल आ रहा है। और बाकी आप ये देख सकते हैं आज काफी ज्यादा गर्मी है आज, और गरम गरम नान। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और बाकी आप ये देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा रश है अभी, अभी हम ऊपर भी चलेंगे। बाकी आप देखिए, और यहाँ पे सेवादार अपनी सेवा देते हुए, जय माता दी। और कैसा लग रहा है आप सभी को यहाँ पे सेवा करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप यहाँ पे रुककर महामाई के दरबार लंगर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही
वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसके दरबार आते हैं, और आप तो उससे भी ज्यादा हैं जो कि यहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं और खाने वाले से। और यहाँ पे आप कैसा लग रहा है आपको खाके? अच्छा, माता रानी ने हमारे लिए सारा वो रखा हुआ है, खाने पीने का, पानी पुनी, हाँ सारी सुविधा दी है। जी, जी। चलो अच्छा, क्या हर साल आते हैं आप? जी, हर साल आते हैं माँ से मिलने। ठीक है, और देखिए किस तरह ये नान का टुकड़ा टूट चुका है और अभी सूखी सब्जी लग चुकी है और चने चने नहीं लगे हैं, और ये मुंह में जाने के लिए दे रहा है, मुंह में घुस गया और आंटी जी के चेहरे में मुस्कान। बोलो क्या बोलना चाहते हैं? पता तो है आपको, और ये है हमारी दीदी जो कि दीदी यहाँ पे होटल चलाती हैं यहाँ पे, और आप भी यहाँ पे आते हैं तो इनके पास आए। आपके पास क्या क्या मिलेगा खाने को? हमारे पास है मैगी, फुलके, सब्जी, आय हाय, चाय, बिस्किट, आय हाय, क्या बात है क्या बात है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चाय का लुत्फ उठाएं, मैगी का लुत्फ उठाएं, ये दुकान है। और यहाँ पे साथ में हमारे वाले भाई नहीं है यहाँ पे, अब हम ऊपर चलते हैं। और इस तरह होगा यहाँ पे काफी रश है आज यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे शमी भाई भी पहुंच चुके हैं की है। और अब फर्स्ट टाइम आयो आप? जी फर्स्ट टाइम आयो? जी जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। और आप ये बताओ जी कि वैसे आप जागरण बजाते रहते हो, कभी आपने सोचा भी था यहाँ आने का? बिल्कुल। और क्या एक्सपीरियंस क्या है, सच्ची बताओ आपकी क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा यहाँ दो व्यू अच्छा दे, क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे आकर? सही बात है, माता रानी के जागरण ही किए हैं, फर्स्ट बार माता रानी के दर्शन करने आए हूँ, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बड़ा मजा आया। गुरु को प्राप्ति मिली, सुकून प्राप्त हुआ और माता रानी ऐसे ही बुलाते रहे हर साल। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, जय माता। इनके साथ अपने भाई जी आए हैं, दीपू जी। ये कीबोर्ड बाकमाल कीबोर्डिस्ट प्लेयर है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है जी? हम कहते हैं जी चंडी माँ टोल मिंदल बटासा, आई मेरी चंडी माँ। हाँ, तो उसके रिलेटेड क्या पंजाबी में बोल दो, हिंदी में, जोगरी, जिसमें आपको सूट करे, मतलब क्या रहेगा आपका मिंदल बटासा? कभी सोचा था कि मिंदल बटासा हम आपको मौका मिलेगा जाने का कभी? हाँ भैया, मतलब सोचा तो बड़े बारी था, लेकिन माता रानी अचानक से ऐसे बुलाएगी, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था कोई। अच्छा, तो जिस दिन यात्रा निकली 10 तारीख को सुबह, पता नहीं भैया ने फोन किया कैसे, माता रानी ने मतलब प्लान ऐसे एक ऑटोमेटिक बना। क्या बात है। हमारे वडेरा अंकल जी भी पहुंच चुके हैं, जो भी वडेरा साउंड वाले बाकमाल साउंड जिनकी हमारे जम्मू कश्मीर की, और ये भी पहुंच गए। अंकल जी क्या आपका मैसेज है जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप जागरण फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, और मतलब आप जैसे सुनते होंगे आप भी फर्स्ट टाइम आए हो, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस है कि जैसे कि सिंगर गाते हैं मिंडल माता, मचेल माता तो गए होंगे आप, तो मिंडल आगे क्या खास है एक्सपीरियंस रहा आपका आज? नहीं अच्छा, अच्छी जगह लगी, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छी। और रास्ते में देखकर हुआ कुछ? देखो वो लाने वाली वो है माता रानी, अगर अपने अपने तौर पे आना तो बंदा नहीं आ सकता। वो तो है बिल्कुल, वो ला रही है, अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, देखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति है माता में। वो तो है तो जय माता जी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आएगा, जो कि आप व्यू पीछे देख सकते हैं, काफी सुंदर व्यू आपको, और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी है बट अगर आप छाव में खड़े होते हैं काफी अच्छा ठंडी हवा चल रही है। और बाकी तो चलिए मेरे साथ, हम आपको आगे भी घुमाते हैं, तो आप बने रहिए कम ऑन ट्रेवलर्स पे। कैसी वीडियो बनाओ, क्या वो फैन फॉलोइंग चाहिए? वैसे तो मेरी है नहीं, मेरे इतनी भी सब्सक्राइबर नहीं है, बट क्या पता आपको देख के आते हैं। ये क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सयम बख्शी है जी। ये राहिल मेरा। ठीक है। राइज राइज राहिल 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 जी किस कितनी
कौन सा टाइम है आप यहाँ पे आ रहे हो? फर्स्ट टाइम आए हो, क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा नेचर है और माता रानी की यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब प्रकृति की, माता रानी ने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे घर बनाए हैं। आय हाय, इनकी वजह से ही चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल 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 ठीक है। और ये हमारे साथ थे बख्शी जी और हमारे साथ राहुल जी, और डालेगा तो सबका यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सुंदर सुंदर लोग आए हैं काफी ज्यादा, और काफी काफी सुंदर सुंदर लोग आए हैं यहाँ पे। मैं सबकी डालूंगा, सबकी डालूंगा, भर भर के डालूंगा। दवाई ले रहे हैं दीदी। और अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ऊपर वाले लंगर में। जय हो, जय हो, जय हो। ये अपने साहिल भैया, दाढ़ी देखो इनकी, ये जम्मू के डॉन है। ये मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS जी। और ये आशु भैया, अगर आपने कोई भी काम करवाना हो आप इनसे करवा सकते हैं, आपको डिस्काउंट देंगे अच्छा। ये बहुत बहुत नेक इंसान है आशु भैया, बहुत प्यार है हमारे इनके साथ, हमारे बड़े भैया हैं ये। जय माता दी। देखो इनकी स्माइल देखो पहले आप। आए हाय, आए हाय, सुंदरता देखो इनकी, क्या बात है। तो बाकी आप ये देखो काफी ज्यादा रश है यहाँ पे। और बाकी समंदर का व्यू दिखाऊं थोड़ा सा आपको मैं, और काफी अच्छा यहाँ का मंदिर का व्यू। और यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोग्राफी चल रही है। बाकी आप ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, और गर्मी भी काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज़ कारकों के बादशाह रमेश कुमार जोगी जी भी पहुँच चुके हैं, और ये हमारे भैया ये भी पहुँचे हुए हैं सारे। अभी तो आज रश कम है, बाकी कल बहुत ज़्यादा रश रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे राजा पंजाबी जी भी पहुँच चुके हैं, रजौरी के मशहूर कलाकार, हमारे जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज़ जो कि जम्मू से पैदल आए। जम्मू से पैदल आए, क्या बात है, क्या बात है। पांचवी पैदल यात्रा क्या बात है। तो बाकी आप ये देखिए काफी ज्यादा रश है। यहाँ पे हर सोना मुखड़ा भी पहुंच गया है, जम्मू के सोने मुखड़ा जी। और ये आंटी जी आए हैं जम्मू, जम्मू से, गुम्मट से। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आंटी जी? मंदिर से। हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा, हर साल आते हैं हम, अब सातवीं बार आए हैं। सातवीं बार आए हो, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वही देती है। अच्छा, मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। और रास्ता कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रास्ता है ना, कितना अच्छा रास्ता था। जिसने बाजू खींच के लाई है तो वो रास्ता में घबराने देती है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं। रास्ता तो हमने बहुत टेढ़ा मेढ़ा सुना था कि डर लगता है, मगर हमें तो कुछ नहीं हुआ है। पर अभी पाँच छह सालों से जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान है, और जो उससे पहले रास्ता था वो तो लाजवाब था। और हर्ष जी मंद मंद मुस्काते हुए, हर्ष जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, घबराने नहीं दिया था अभी। वो तो है नहीं, पुराना रास्ता तो काफी खतरनाक था। अब रास्ता बड़ा कर दिया ना। हाँ, मैं आया था यहाँ पे रास्ता ठीक करने के लिए। और ये देखो हिमाचली लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकल जी, जिन्हें सभी चाचा जी के नाम से जानते होंगे, बहुत ही मशहूर हैं हमारे अंकल। अंकल, किस तरह का लगा आपको
आज यात्रा में आ गए। आप कल सुना है कल आप त्रिलोकीनाथ भी गए थे। बहुत अच्छा। अच्छा क्या एक्सपीरियंस रहा? सबके दर्शन हुए। सबके दर्शन हुए? दूध के दर्शन हुए? और दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो यहीं का रहेगा क्योंकि एक्चुअली मैं यहीं पे हूँ अभी। यहाँ पे लंगर में सेवा वगैरह चल रही थी। बाकी आप ये पीछे देखें काफ़ी ठंडा मौसम है और यहाँ पे बाकी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ है और जो कि कल ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। बाकी आपको और लोगों से मिलाता हूँ यहाँ पे। और गाइज अभी आपने देखा सिनेमैटिक जो शूट था वो मैंने किया अभी मंदिर का पर, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज। जैसा कि थर्ड डे का व्लॉग है, एपिसोड इसमें रहेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे व्लॉग बन रहे हैं यहाँ पे और आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि फिर उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद भी आए क्योंकि आप कमेंट करके बताएँ क्योंकि आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है, लोग हंसते भी हैं, लोग हंसने के बाद भी हमें मेहनत करनी पड़ती है कि दांत निकाल के चले जाते हैं, बट हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और एनीवेज उनको हंसने दें और हमारा काम है काम करना और हम काम करते रहेंगे। क्यों पंकज भैया?
अभी कुछ ही देर में माता रानी की जो छड़ी है, तो जम्मू से जो यात्रा चलती है वो छड़ी यहाँ पहुँचने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी कर रहा था, आपको वो मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और फेसबुक पे। तो बाकी अब मैं नीचे जा रहा हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहाँ पे, किस तरह का कार्यक्रम रहता है, जो कि है ना थोड़ा पुराने तरीके से डिवोशनल है ये सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए। तो बाकी अभी नीचे चलते हैं तो मैं आपको वो बताऊंगा। और दोस्तों अब मैं आपको थोड़े यहाँ के छड़ी स्वागत के जो कि शॉट दिखा रहा हूँ, जो जिस तरह यहाँ पे छड़ी माता रानी की आती है, ये देख रहे हैं आप सिद्ध राम जी जो कि महामाई की छड़ी यात्रा लेकर आते हैं। जैसा कि आपने देखी जो छड़ी स्वागत था, आज का व्लॉग मेरा इतना ही और बाकी का व्लॉग मैं आपको, बने रहिए हमारे साथ है वंश जी और अनमोल जी, सॉरी वंश जी हर्ष जी ओके ठीक है। इतना व्लॉग था और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर करें। और बाकी हाँ जी लाइक भी कर दें और और गाइस ये है रिया और ये डायग्नोस्टिक का कुछ करती है, ये फिर पाड़ करती है ये। हाँ जी रिया जी आप क्या कहना चाहते हैं? गाइस इतना था एक्चुअली, मैं कहीं अपने भाई के रूम में आया था और ये इनके सभी हैं और बाकी इतना ही। चलिए ठीक है, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा, मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।